दोस्तों मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। रविवार को राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमे से खबर आई कि करीब 30 विधायक उनके साथ हैं और अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। इसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ विक्ट्री साइन दिखा दिया। गहलोत के मीडिया एडवाइजर ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि जयपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री के आवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 107 विधायक शामिल हुए। बता दें कि 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 101 का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राजस्थान के रण में अशोक गहलोत के किले पर हमला हुआ या शतरंज की गोटियां खुद अशोक गहलोत ने सजाई थी। बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी फिल्म के एक्टर भी हैं, अपनी फिल्म के विलेन भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी वो खुद हैं। बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं तो इसकी वजह ये हो सकती है कि दरअसल गहलोत राज्यसभा चुनाव के बाद से पूरी तरह सचेत थे। इसके पहले भीतर और बाहर के विरोधी हमला बोलते उन्होंने एक्शन ले लिया था, उसका असर अब देखिए। एक तो उनके साथ बहुमत लायक विधायक दिख रहे हैं, दूसरा केंद्रीय नेतृत्व ने पायलट को दो टुक कह दिया है कि घर न तोड़िए, नाराजगी है तो बात कीजिए। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा, कभी कभी वैचारिक मतभेद पैदा हो जाता है जो प्रजातंत्र प्रणाली में स्वाभाविक है, मगर वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या बीजेपी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है। बगावत रोकने के लिए गहलोत ने एक तीर से कहीं दो निशाने तो नहीं लगा दिए। राजस्थान में मौजूदा सियासी उठापटक के तार काफी हद तक जून में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। 3 सीटों पर हुए इस चुनाव में पहले कांग्रेस के कुछ विधायकों को प्रलोभन दिए जाने का आरोप लगाया था। पार्टी की तरफ से इसकी शिकायत राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल SOG से की गई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्य में विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और करोड़ों रुपये की नकदी जयपुर स्थानांतरित हो रही है। उस वक्त तमाम अटकलों के बीच गहलोत के सामने विधायकों को टूटने से बचाने और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती थी। ऐसे में SOG से शिकायत के साथ ही विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया। गहलोत को इस चुनाव में सफलता भी मिली जब कांग्रेस 3 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। इसके बाद हाल ही में राजस्थान में सियासी हलचल तब अचानक तेज हो गई जब SOG ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के आरोप में शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि SOG ने 2 मोबाइल नंबरों की निगरानी से सामने आई जानकारी के आधार पर यह मामला दर्ज किया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह मामला IPC की धारा 124A यानी कि राजद्रोह और 120B यानी कि अपराधी साजिश के तहत मामला दर्ज किया और SOG ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और चीफ व्हिप को इस मामले में बयान दर्ज करने के लिए नोटिस भेजकर उनका समय मांगा। इस बीच मीडिया में सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई कि SOG के लेटर ने पायलट को नाखुश कर दिया और उन्होंने अपमान के तौर पर इसको देखा। यहीं से सरकार की स्थिरता को लेकर गहलोत की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे में गहलोत ने इस मामले पर रविवार को ट्वीट में कहा, SOG को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद परोक्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ व्हिप, अन्य कुछ मंत्री और विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। हालांकि गहलोत का भी बयान दर्ज करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किए जाने के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि मुख्यमंत्री को नोटिस सिर्फ एक छलावा है ताकि उप मुख्यमंत्री को SOG द्वारा तलब और अपमानित किया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक वरिष्ठ हाईकमान नेता ने कहा, गहलोत ने एक
पत्थर से 2 से 3 पक्षियों को मारने की कोशिश की है। उसमें वह थोड़े से आगे चले गए। उन्होंने बीजेपी को यह कहते हुए किनारे कर दिया कि आप पार्टी तोड़ने वाले हैं, लेकिन एक जांच भी आगे कर दी। राजद्रोह लगाते हुए वह यह समझे बिना भी काफ़ी दूर चले गए कि पायलट प्रतिक्रिया देंगे। गहलोत ने जो अनुमान लगाया होगा उसकी तुलना में पायलट ने काफ़ी मजबूती से प्रतिक्रिया दी है। शनिवार तक गहलोत तेज हुई सियासी हलचल के बीच काफ़ी मजबूत दिख रहे थे। उन्होंने बीजेपी को किनारे करने की अपनी रणनीति भी बरकरार रखी। गहलोत ने शनिवार को बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के वक्त में बीजेपी के नेताओं ने मानवता और इंसानियत को ताक पर रख दिया है। ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं। ये लोग सरकार कैसे गिरे, किस प्रकार से तोड़ फोड़ करें, खरीद फरोख्त कैसे करें, इन तमाम काम में लगे हुए हैं। उधर गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के तहत विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB ने शनिवार को 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी जाँच PEB दर्ज कर ली। इस तरह गहलोत सरकार बगावत को टालने की दिशा में मजबूती से आगे ही बढ़ रही थी, मगर पायलट की नाखुशी ने पूरे मामले की दिशा मोड़ कर रख दी। हालांकि माना जा रहा है कि पायलट की नाखुशी से पैदा हुए सियासी संकट के बाद गहलोत का कद और ज्यादा मजबूत हुआ है। बीजेपी बोली, पूरा मामला कांग्रेस के भीतर के कहल का है, हम तो सिर्फ दर्शक बने हुए हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अस्थिर किए जाने की कोशिशों के गंभीर आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगे तो उस पर सतीश पूनिया ने शनिवार को कहा कि यह कांग्रेस की अंतर्कलह और आंतरिक झगड़ा है, हम तो कांग्रेस के इस खेल के दर्शक बन रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 1.5 साल में सरकार की विफलता को, कोरोना प्रबंधन में विफलता को ढकने के लिए यह सारा खेल रचा गया है। राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक वही उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के विधायकों और बाकी जनप्रतिनिधियों के फोन टेप करवा रही है। गहलोत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी फिल्म के एक्टर भी हैं, विलेन भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। वे अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को किनारे करने के लिए बीजेपी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि वह इस बात को सार्वजनिक करें, उनके हिसाब से कितने कांग्रेस विधायक बिकने के लिए तैयार हैं। अब ये सारा मामला सामने आ गया है। एक तरह से जो गहलोत सरकार है, गहलोत है, अशोक गहलोत है, एक बार फिर मजबूती के साथ में उभर कर सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि जो सचिन पायलट का दाव था वो दाव फेल हो गया है। अब ये बात सामने आ रही है कि ये सारा जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या वाकई हुआ या इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसके सारे सूत्रधार खुद अशोक गहलोत थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।